पूरी तरह से स्पीच तो चला गया, सेंसरशिप पूरी तरह से आया था। उसके बाद जब फिल्म्स बनी और आनंद पटवर्धन की प्रिजनर्स ऑफ कॉन्शियंस जो बनाई गई थी वो फिल्म मैंने मिरांडा हाउस में दिखाई थी इन 1970s एज सून एज इट वाज मेड। और मैं उस वक्त छुट्टी पर थी, आई वाज सपोज्ड टू बी डूइंग माय पीएचडी, पर स्पेस था कॉलेज में और हमने जाके दिखाया और मेरी प्रिंसिपल ने मुझको एक्चुअली डांटा एंड सेड तुम अपना पीएचडी करो, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हमने कहा नहीं, ये बिल्कुल ये भी करना ज़रूरी है। एंड वो स्पेस थी उन दिनों में, आज के तहत आप देख रहे हैं कि वाइस चांसलर ने, आज का जो वाइस चांसलर है सारी स्पेस ख़त्म करने की कोशिश की है और इसका भी हमको एक्चुअली प्रतिरोध करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ की स्पेस टू एक्चुअली होल्ड सर्टन काइंड ऑफ मीटिंग्स भी कम होती जा रही है एंड इट इज़ कम्प्लीटली कॉर्पोरेटाइज जिस तरह से दिल्ली यूनिवर्सिटी आज जा रही है। बट देर इज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग एंड आई थिंक ओके अब जो मैंने सुना सबसे कि अपने अपने शहरों में अपने अपने जगहों पर आपने कोशिश किया तो अच्छा लगता है कि अलग जगहों पर जा कर के इस तरह की कार्रवाई शुरू हुई है। और मैं समझती हूँ कि इसके लिए स्पेस एक्चुअली बहुत ज़बरदस्त चाह है लोगों में टू सी थिंग्स विच आर नॉट फोर्सफुल एंड नॉट बकवास एंड नॉट द कमर्शियल सिनेमा। मैं इत्तेफाक से अपने बुढ़ापे में जा कर के कई चीज़ें करने लगी हूँ, फिल्म बनाने लगी और दो फिल्म मैंने बनाई और फिर मुझे लगा कि मुझे एक फिल्म और बनानी चाहिए और वो फिल्म वो सच्ची में मैं बनाना चाहती हूँ। दोनों बाकी जो बनाई वो इतिहास के गिरती के आज के इतिहास के बारे में। तो मैंने कहा द फिल्म आई रियली वांट टू मेक इज ऑन वुमेन पॉलिटिकल प्रिजनर्स एंड दैट्स द फिल्म आई स्टार्टेड टू शूट। तो आप मेरे पास ना पैसे हैं, किसी से नहीं चाहिए एंड चाहिए नहीं, विल नॉट टेक फंडिंग बिकॉज द मोमेंट आई टेक फंडिंग देयर विल बी क्वेश्चन सेइंग where is this money coming from and if it is coming from international sources to bilkul viral so you it has to be funded from our own। to main kahin par jaati hu kisi bhi lecture dene ke liye to jaldi se wahan ja kar ke koshish karti hu ki main wahan shooting kar lu thodi si। to abhi guwahati mein gayi thi to guwahati mein jo camera man aaya tha wo koi television channel ka tha to usne kaha main sirf aadhe ghante ke liye aunga। wahan aaya usne socha baitha करने लगा एंड देन उसके बाद ना उसने मुझसे पैसे लिए ना उसने तीन दिन वो आया इन ऑर्डर टू द शूट एंड ही सेड ये सीरियल्स जो हैं वो सीरियल्स ऐसी बनाई जा रही है कि हमारा दिमाग जो है उनको बिल्कुल सट जा गया है जाए। और असलियत तो ये है बिकॉज ही हर्ड अ गर्ल टॉकिंग अबाउट हाउ शी वेंट टू बिकेम एन एक्टिविस्ट ऑफ अ मानव अधिकार संग्राम समिति सिंपली व्हेन शी हर्ड दैट पराग दास हैड बीन किल्ड एंड दैट्स इट That's and she started to cry and it was my second sentence she actually said just dusra vakya mein hi wo actually breakdown ho gayi and I don't know what connection I made with her but that was completely marvelous and the cameraman who did not take any money from me so there is actually a great need and a great desire to participate in an alternative culture and in a culture which actually speaks to your life and speaks to your own एक्सपीरियंस बिकॉज यू कैन सी कि ये जो बकवास हमारे ऊपर थोपा जा रहा है वो हमारी जिंदगी है नहीं एंड इवन इफ वी आर प्रिविलेज देर आर लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल जिनको दिख रहा है कि जिंदगी तो कहीं और जा रही है और जो एंटरटेनमेंट हमको दिखाया जा रहा है वो कम्प्लीटली और जगह जा रहा है। दो तीन चीज़ें मैं समेटने में ही बोलने की कोशिश करूँगी कि नई मीडिया की जो बात है दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट और उसका कॉन्सिक्वेंस नेगेटिव भी है पर बहुत पॉजिटिव भी है। और हमने देखा कि वो मोबाइल पे जो मणिपुर का किस्सा, मणिपुर कहाँ है, मणिपुर में क्या होता है, मणिपुर में हाफ्सपा है या नहीं है, बहुत लोगों को जानकारी नहीं थी। मूवमेंट्स को मैं डेमोक्रेटिक राइट्स मूवमेंट हैव ऑलवेज रिस्पॉन्डेड बट इवन थिंग्स लाइक द वुमेन्स मूवमेंट डिड नॉट सफिशिएंटली रिस्पॉन्ड। और मैं वुमेन्स मूवमेंट में मेरा एक पैर वुमेन्स मूवमेंट में है, एक दूसरा पैर मेरा डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स में है तो मेरी हैसियत बनती है कि मैं दोनों को क्रिटिसाइज कर सकती हूँ। और मैं कह रही हूँ कि वुमेन्स मूवमेंट डिड नॉट टेक सफिशिएंट नोट ऑफ द नेशनलिटी क्वेश्चन और उन्होंने उसके बारे में ज़्यादा मतलब जो जिस तरह से रेजिस्टेंस आना चाहिए था वो शायद सबसे नहीं आया, कुछ लोगों से आया।
लेकिन जब मनोरमा का ये किस्सा हुआ और उसका फिर वो भी नेशनल मीडिया में उसमें कोई असर नहीं पड़ा, हम डेमोक्रेटिक सेक्शंस में भी कम ही असर पड़ा, मतलब डेमोक्रेटिक सेक्शंस को छोड़ करके बाकी सारे समाज में उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब वो मीरा पाइपीज ने वो जो डेमोन्स्ट्रेशन किया इंडियन आर्मी कमांड रेपास एंड वो जो फ्लैश किया उन्होंने मोबाइल के तहत सारे देश में, वो एक्चुअली इज द थिंग दैट कॉज द फर्स्ट एम्बैरेसमेंट to the Indian public, because otherwise the Indian public didn't care what was happening in all these places. So actually, what a responsible, committed, small media can do is incredible. It's very powerful what they can do. And I think that's very important. Aur ye jo kissa, Sanjay ne bataya kissa Ocean of Tears ka, actually it's interesting. Matlab PSBT bhi has to finally do something which is forced to acknowledge. Something that the Indian social reality and the Indian public domain decided to drop. हमें याद है कि जब बीजी वर्गीज वापस आया था with this horrendous statement कि वहाँ कुछ हुआ ही नहीं था, I think women's groups were actually there. उसके ऊपर चप्पल भी फेंका गया था at that press conference. But that is the reality that stayed, and it is an alternative reality that we never actually got because उसके ऊपर पूरी तरह से फैक्ट फाइंडिंग नहीं हो पाई बिकॉज ऑफ द वे इन विच एंड गुस्सा गुनाम पुष्पारा के लोगों में इतना है एट द आइडिया के लो आकर के बात करके चले जाते हैं बट नथिंग एक्चुअली हैपेंस। बट व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज दैट ओशन ऑफ टियर्स इज अ फिल्म दैट्स बीन मेड, उसमें कितना भी तुम शोर मचाओ बंद करने की कोशिश करो, 50 लड़कियाँ कश्मीर की ने आज एक केस फाइल किया है टू रीओपन द केस, सो नथिंग गोज अवे इन हिस्ट्री एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रिमेंबर कि कोई भी चीज इतिहास में गायब नहीं हो जाती है, उसको स्टोक करना, उसको एक्चुअली आगे बढ़ाना वो हमारी जिम्मेवारी है। एंड थिंग्स लाइक द सिनेमा ऑफ रेजिस्टेंस, ऑल टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस इन रीडिंग इन राइटिंग एंड थिंकिंग, आई फील दैट देयर इज अ रियल कनेक्शन। कभी कभी मुझे लगता है कि समटाइम्स वेरी सेंसिटिव सोशल साइंटिस्ट फॉर इंस्टेंस हैव रिटन वेरी पावरफुली, आई वाज थिंकिंग ऑफ फैमिन एंड द वे इन विच वुमेन सम वुमेन हैव रिटन अबाउट फैमिन, और आई कैन थिंक ऑफ हाउ पंडित रमाबाई एक्चुअली नेवर फॉरगॉट दैट हर ओन मदर एंड फादर डाइड इन अ फैमिन, सो शी व्हेन द नेक्स्ट फैमिन हैपेंड शी वेंट बैक to those areas where she knew that children will be abandoned and particularly girls will be abandoned first, and she went back and intervened over there. So it's a very, so Vinayak Sen will write on famine today, but women are also writing about famine and how important it was to run the kitchens at a time when if you did not cook the maad properly, you could not feed a starving person in order to allow them to survive, they would die. Because they couldn't digest the food. So you had to cook the rice gruel in a particular way, and that is where the political mobilization started for those women. The Mahila Atmaraksha Samiti in Bengal, which ultimately became a pillar of the communist movement, that actually began with the famine, with the way in which famine was. So in a sense, the films that you make, whether it's dealing with certain kinds of reality and creative social science, all our interventions are really important, and it is very important to resist the onslaught of a corporatized culture today. And I really want to say this as the last thing, क्योंकि अभी recently जो the infamous Goa festival जो हुआ था जिसमें तहलका का जो किस्सा हुआ है, उसी festival में think एक बेचारी एक लड़की स्टिंक इट्स अ स्टिंक एक लड़की 15 साल की जो कॉलेज जाती थी स्कूल जा रही थी इन विलेज इन हरियाणा, उसका रेप हुआ था, उस लड़की को आप फ्लाई करके ले गए टू गोवा और वहां पीछे पीट दबा करके वो स्क्रीन बड़े बड़े स्क्रीन पे उसने अपनी बात रखी, उसी टाइम उसी वक्त ये घिनौना किस्सा भी हो रहा था। सो व्हाट काइंड ऑफ कल्चर इज दिस, व्हाट काइंड ऑफ इंटरवेंशन।
intervention is this? What kind of people are these? It's a question we need to ask. It's really an attack that we have to make on this really ghatia development that has taken place all around us. And the only way to do it is to do it in these creative ways in which I think everybody will engage. So these are my concluding comments, and you can sort of, I don't know whether we are carrying on or whether we are closing. Thank you very much.